क्या आपको शीश महल देखना है? इसके लिए आपको तो आमेर किला जयपुर जाना पड़ेगा। बिहारियों, अगर आप जयपुर जितना दूर जाने का सोचकर मना करें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके लिए हमने इसका दूसरा विकल्प ढूंढ लिया है, जो कि आपके बिहार में ही स्थित है। देशभर में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपने धार्मिक महत्व, सुंदर वास्तुकला, शिल्प कला और ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध हैं। धार्मिक स्थलों की शांति, आस्था, परंपरा और प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। आज हम आपको बिहार में स्थित एक ऐसे ही मंदिर के दर्शन के लिए लेकर चलेंगे, जो अपने वास्तुकला, अपनी भव्यता और अपनी खूबसूरती के लिए पूरे बिहार में प्रसिद्ध है, जहां स्थित है बिहार का इकलौता शीश महल। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। बिहारी विहार के आज के इस सेगमेंट में हम निकलेंगे एक ऐसे मंदिर के सफ़र पर, जिसकी खूबसूरती देखकर आप भी कहेंगे वाह वाह। ये मंदिर है ऐतिहासिक नगरी बक्सर में। राजधानी पटना से महज 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित बक्सर जिला में यह मंदिर आपको मेन सिटी बक्सर में ही मिल जाएगा। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन यहाँ आपको सभी भगवान के चित्र दीवारों पर उकेरे हुए मिल जाएंगे, जो इस मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान राम ने ताड़का का वध किया था। इस मंदिर में रामायण की एक एक घटना दिखाने की कोशिश की गई है। इस मंदिर की वास्तुकला आपको मोहित कर देगी। यह दक्षिण भारत की मंदिरों की बनावट की याद दिलाती है। यह मंदिर नवलखा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज से 50 वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण करीब 9 लाख की राशि से हुई थी। इस वजह से इसका नाम नवलखा मंदिर पड़ा। लेकिन भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर को दिव्य देश कहा गया है, यानी कि आध्यात्मिक दृष्टि से इस मंदिर को दिव्य देश मंदिर कहा गया है। अपनी वास्तुकला और शीश महल के लिए मशहूर यह मंदिर सामान्य नहीं है। इस मंदिर में श्रद्धालुओं की जितनी भीड़ उमड़ती है, उतना ही पर्यटक भी इस मंदिर को देख आकर्षित होते हैं। दक्षिण भारतीय पद्धति से बना यह मंदिर पटना प्रमंडल का इकलौता मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की प्रमुख विशेषता भगवान विष्णु के चार विग्रह को माना जाता है। पहला स्नान मूर्ति, भोग मूर्ति, भ्रमण मूर्ति और चौथा शयन मूर्ति। भगवान दिन में 2 बार अपने स्थल से उठकर पालकी पर विराजमान होते हैं और मंदिर के परिसर के चारों तरफ घूमते हैं, या फिर यूं कहें कि उन्हें दिन में 2 बार पालकी पर घुमाया जाता है। इसी वजह से मंदिर को दिव्य देश कहा जाता है। यहाँ भगवान को तमिलनाडु का खास व्यंजन पोंगल का भोग लगाया जाता है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर घुसते ही सोने के आवरण चढ़े कलश थे, जिसे चोरों ने चुरा लिया था, लेकिन कलश दोबारा लगाए गए, जिसे अब ढक दिया गया है। यहाँ लगा गरुण ध्वज भी स्वर्ण पत्र जड़ित है। अब बात करते हैं शीश महल की। मंदिर परिसर में स्थित शीश महल है, जिसे राजस्थान के कलाकारों ने तैयार किया है। यह छोटा है, लेकिन इसके आकर्षण का कोई जवाब नहीं है। भगवान राम एवं कृष्ण के जीवन काल की झलक यहाँ आपको दिखेगी। यहाँ आपको धनुष यज्ञ, राम विवाह, वन गमन, राज्याभिषेक आदि के चित्र बने दिखेंगे, जो आपको आकर्षित और रोमांचित करेगा। भगवान कृष्ण के जन्म काल या मर्दन आदि की तस्वीरें बनी हैं। खासकर बच्चों को यह शीश महल बहुत ही भाता है। इस मंदिर की स्थापना की बात करें तो मंदिर की स्थापना पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से कराया गया। गंगा किनारे लक्ष्मी नारायण मंदिर में उनका आश्रम था, इसके पास ही मंदिर निर्माण कराया गया। पास में एक छोटा बगीचा है, जहां भगवान को चढ़ाने के लिए पुष्प और तुलसी के पौधे लगाए जाते हैं। यह मंदिर साल 1974 में बनकर तैयार हुआ, तब इसकी ख्याति और आकर्षण ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस मंदिर का निर्माण वासुदेव जी सोमानी ने कराया था। वे राजस्थान के रहने वाले थे। वे देश की सबसे बड़ी कपड़ा बनाने वाली मिल श्रीनिवास कॉटन के मालिक थे। कहा जाता है उनके पुत्र रंगनाथ जी सोमानी मंदिर का खर्च अभी भी वहन करते हैं। इसका संचालन ट्रस्ट के नियमानुसार होता है। यहाँ एक प्रबंधक, 4 पुजारी, सफाई कर्मी और माली तैनात हैं। पुजारी भी यहाँ आपको दक्षिणी भारत के मिलेंगे। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आप यहाँ कब पहुंच रहे हैं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।